मैं हूं ममता शर्मा, आप देख रहे हैं AN247 न्यूज राजस्थान। हार्डवेयर की दुकान में लगी आग, अग्निकांड में लाखों का सामान जलकर राख। पुलिस ने दमकल की सहायता से पाया आग पर काबू। जमवारामगढ़ जयपुर आंधी थाना अंतर्गत नीमला गांव में आज सोमवार को सुबह 10 बजे के आसपास में हार्डवेयर की दुकान में अचानक आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए मूल्य का हार्डवेयर का सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार नेता वाला गाँव निवासी हरि नारायण शर्मा नीमला गाँव में किराए में हार्डवेयर की दुकान चलाता है। आज सोमवार को सुबह लगभग 10 बजे दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई और आग ने देखते ही देखते भयंकर रूप धारण कर लिया। आग लगते ही आसपास के लोगों में दहशत फैल गई और आग इतनी भयंकर थी कि कुछ ही देर में धू धू कर लाखों रुपए का मूल्य हार्डवेयर का सामान जलकर राख हो गया और अग्निकांड में दुकान भी पूरी तरह से तहस नहस हो गई। हालांकि लोगों ने समय रहते घटना की सूची आंधी थाना पुलिस एवं दमकल को भी दे दी थी, परंतु आंधी व जमवा रामगढ़ में दमकल की व्यवस्था नहीं होने के कारण दौसा जिला से दमकल पहुंची, तब तक दुकान का सामान पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। वहीं आंधी थाना पुलिस भी देरी से पहुंची। इस घटना को देखते हुए क्षेत्र के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वह लोग क्षेत्र के जिम्मेदार नागरिक व प्रशासन से भी नाराज हैं, क्योंकि उपखंड मुख्यालय होने के बावजूद भी दमकल की व्यवस्था नहीं है। सूचना पर आंधी थाना हेड कांस्टेबल बलवीर सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे। वह दौसा से दमकल भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। गनीमत रही कि अग्निकांड में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।